नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैप्टन प्रतिका। यहां है नो बकवास ओनली फैक्ट्स। ब्रांड डील्स के बारे में बात करेंगे। चार पॉइंट्स कवर होंगे इस पूरे वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे कि ब्रांड डील होता क्या है, कोलैबोरेशन होती क्या है। सेकंड चीज बात करेंगे कि ब्रांड डील हमें मिले कैसे। अगर हमारे पास खुद से ऑफर नहीं आ रहा है तो क्या हम ब्रांड्स के पास जा सकते हैं? बहुत ईजी तरीका है ब्रांड्स के पास पहुंचने का, वो बात करेंगे। थर्ड पॉइंट में बात करेंगे कैसे ब्रांड डील्स को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और कैसों को इग्नोर कर देना चाहिए या फिर ब्रांड डील एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उल्टा आपके YouTube चैनल के लिए खराब साबित हो सकता है। फोर्थ चीज बात करेंगे कि दाम कितना लगाए, कितना चार्ज करें। जब आपके पास मेल आता है कि आपके चार्जेस क्या हैं, तो उनको क्या रिप्लाई करें, किस फैक्टर्स को दिमाग में रखना है और कैसे नेगोशिएट करना है ब्रांड से कि आपको बेस्ट प्राइस ऑफर हो, बेस्ट वैल्यू ऑफर हो। शुरू करते हैं ब्रांड डील्स के बारे में। ब्रांड डील होती क्या है? आपने कई बार YouTube वीडियोस देखा है, जब एक वीडियो के शुरू होने से पहले जो यूट्यूबर है वो किसी ऐप के बारे में बात करता है या किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करता है कि ऐसा ऐसा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है या फिर ऐसा ऐसा है, वो एक ब्रांड डील होता है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड वीडियो। ब्रांड डील्स दो तरह के होते हैं, एक है डेडिकेटेड वीडियो, एक होता है इंटीग्रेटेड वीडियो। इंटीग्रेटेड वीडियो मतलब वीडियो के बीच में या फिर शुरुआत में एक छोटा सा पार्ट हम आपके ब्रांड आपके प्रोडक्ट के बारे में बोलेंगे, उतना हुआ इंटीग्रेटेड वीडियो। और डेडिकेटेड वीडियो होता है आपने कोई प्रोडक्ट भेजी और पूरा वीडियो हमने उस प्रोडक्ट के बारे में ही, उस ऐप के बारे में ही बनाया, वो होता है डेडिकेटेड वीडियो। डेडिकेटेड वीडियो का इंटीग्रेटेड वीडियो से दाम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम अपना पूरा वीडियो का टाइम उनके ब्रांड को दे रहे हैं। ये दो तरह की ब्रांड डील्स होती है। तो कई बार आप देखेंगे किसी ऐप के बारे में पूरा वीडियो है या किसी प्रोडक्ट के बारे में पूरा वीडियो है, और कई बार देखेंगे कि सिर्फ शुरुआत में या बीच में कहीं किसी ऐप के बारे में या किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी सर्विस के बारे में बात की जा रही है, तो वो इंटीग्रेटेड वीडियो है। ये तो बात हुई कि ब्रांड डील्स होती क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये हमें मिल कैसे सकती है। अगर हम छोटे यूट्यूबर है या फिर नई एस्टैब्लिश है, तो भी बहुत कम ब्रांड्स है जो मुझे कॉन्टैक्ट करती है, तो मैं कैसे दिखूँ उनके नज़रों में, मैं कैसे आऊँ? इसके दो तीन तरीके हैं। देखिए, अगर आपका कोई कुकिंग चैनल है और आप कोई कुकिंग इंग्रेडिएंट किसी ब्रांड का आपको बहुत पसंद है, इसका हींग बहुत अच्छा है या इसका मेयोनीज बहुत अच्छा आता है, तो आप उस ब्रांड को लिख सकते हैं कि हम आपके प्रोडक्ट को प्रमोट भी करना चाहते हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, तो क्या ब्रांड डील करना चाहेंगे? ये तो एक बहुत कॉमन तरीका है, बट इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत कम ब्रांड्स रिप्लाई करते हैं। करेंगे ज़रूर, बट अगर आप 10 को करोगे तो शायद उसमें सिर्फ दो ब्रांड आपको रिप्लाई करे। तो इसीलिए हम लोग इससे बेटर ऑप्शन में जाते हैं। टू ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है फेमबिट। फेमबिट एक यूट्यूब द्वारा ही बनाया गया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर क्या है, ब्रांड्स, आप क्रिएटर है तो आपको इसको क्लिक करना है, ब्रांड है तो इसको क्लिक करना है। यहाँ पर जाके आपको दिख सकता है कौन से नए नए ब्रांड्स हैं जिनको अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को प्रमोट करना है। अब देखिए, जैसे ही मैंने लॉग इन किया, यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड डील्स आ गए। ये लोग चाहते हैं इनका प्रोडक्ट को हम लोग प्रमोट करें। जैसे ये ब्रेकफास्ट स्टेशन है, इनका कोई कॉफ़ी मेकर या समथिंग है, इसका $500 तक का आपको मिलता है प्रमोट करने का। म्यूजिक फेस्टिवल कंटेंट, इसका $250 मिलता है। या कोई प्रोडक्ट ले लो, जैसे ये प्रोडक्ट है, इसको प्रमोट करने का अप टू $250 तक मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके कितने सब्सक्राइबर है और सब्सक्राइबर्स में से कितने एक्टिव है, कितना आपको व्यूअरशिप कितना मिलता है, उस पर भी डिपेंड करता है। ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्टिविटी डेस्क है, इसको अगर YouTube स्टूडियो में बनाए तो मैं इसको प्रमोट कर सकती हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे सेंड प्रपोजल लिखा हुआ। इसी तरह से आपको अपने लिए बेस्ट क्या आपके चैनल के लिए होगा वो आप देख सकते हो, और सेंड प्रपोजल को जब आप क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी फीस एंटर करनी है, आप कितने दिन में वीडियो बना सकते हो वो आपको लिखना है, और फिर यहाँ पे सेंड प्रपोजल लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल्स भी लिखना है उसके। यहाँ पे अब उन्होंने दिया हुआ है कि उन्हें क्या क्या सर्विस चाहिए, कि उन्हें क्या क्या डिटेल्स चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, या कैसे प्रमोट करना है, सारा जो डिटेल्स है वो इस साइड में लिखा हुआ रहता है, और बाकी के सारी चीज़ें इस साइड में लिखी हुई हैं। तो आप इस तरह से सेंड प्रपोजल कर सकते हो और वेट कर सकते हो उनके रिप्लाई का, कि वो आपको रिप्लाई करेंगे। आप प्राइस हमेशा उतना ही देना, जैसे यहाँ $100 है तो $100 से कम का ही देना है, $1000 है यहाँ पे तो 1000 से कम का, क्योंकि अप टू लिखा हुआ है कि इतना ये लोग हाईएस्ट दे सकते हैं। अगर अपने सब्सक्राइबर्स है कम और अगर हम प्राइस ज्यादा मांगेंगे तो ऑफकोर्स वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें रीजनेबल प्राइस मांगना है ताकि वो एक्सेप्ट करे। तो ये एक तरीका है फेमबिट, जो कि बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि ऑफकोर्स यूट्यूब की तरफ से है। सेकंड बहुत अच्छा एक तरीका है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको देखना है तो। इसके अलावा मॉम्स प्रेसो का जो माई मनी है, वो एक बहुत अच्छा तरीका है अर्न करने का, स्पेशली लेडीज के लिए। आपको बस इसका ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, मैं आपको अपने फोन से करके दिखाती हूँ।
तो ये जो माई मनी में आप जब जाओगे मॉम्सप्रेसो के ऐप में, यहाँ पर आप देख रहे हो कितना सारा ब्रांड्स है जो लोग चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए। तो आपको लिक्विड डिटर्जेंट बार को प्रमोट करना है, हैंड वॉश को प्रमोट करना है, पर्सनल केयर ब्रांड को। आप सपोज करिए मुझे ये हैंड वॉश को प्रमोट करने का इच्छा है, तो मुझे बस इसके अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद में यहाँ पर सारा लिखा हुआ रहता है कि उनको क्या चाहिए। वो चाहते हैं कि मैं इनका प्रोडक्ट खरीदूँ और उसके बाद में इसके बारे में एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाऊँ, और इसमें जो प्रोडक्ट का दाम होगा वो लोग वापस रिइम्बर्स कर देंगे। यहाँ पर आप व्यू माई मनी फॉर दिस कैंपेन देखोगे तो मेरे प्रोफाइल के हिसाब से, मेरे जितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, उसके बेसिस के हिसाब से मुझे 180 रुपया मिल सकता है एक इंस्टाग्राम पोस्ट करने का। सेम चीज़ मैं अगर किसी और प्रोडक्ट का जाके देखूँ, सपोज करिए ये डिटर्जेंट वाला जाके देखते हैं, इसमें भी सारा डिटेल्स दिया हुआ रहता है कि आपको क्या पोस्ट करना है। इसके हिसाब से मुझे एक पोस्ट करने के 390 रुपये, 400 रुपये मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप इंस्टाग्राम में अगर 1000-2000 फॉलोअर्स भी बना लें तो आप ये चीज़ कर सकते हो। और अगर आप यूट्यूब में ही आपका चैनल बढ़ा हुआ है या जो भी है, तो आप उसका भी डिटेल्स इसमें ऑप्शन आता है कि आप अपना यूट्यूब डिटेल्स भरें, फेसबुक में कितने फॉलोवर्स है वो भरें, इंस्टाग्राम मतलब जितने सोशल मीडिया में आपके जितने फॉलोवर्स है वो भरें, उस हिसाब से आपको कैंपेन्स मिलते रहेंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस वे टू अर्न। तो ये दो तरीके हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप ब्रांड डील्स कर सकते हो। एक बार जब आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ने लग जाएंगे तो आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्रांड्स खुद आपको ईमेल करेंगे कि हम चाहते हैं कि आप हमारे इस प्रोडक्ट को प्रमोट करें, आप आपके चार्जेस बताइए, या वो लोग आपको ये बताएंगे कि हम आपको इतना चार्जेस तक दे सकते हैं तो क्या आप हमारा ब्रांड को प्रमोट करना चाहेंगे। तो ये बहुत इजी हो जाता है, बाद में आपको मेल आने लग जाता है, आपको बस रिप्लाई करना है कि हाँ मुझे इंटरेस्टेड है, या फिर आप मेरे को इस नंबर पर कॉल करो, हम लोग डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। ये वैसे आगे बढ़ने लग जाती है चीज़। अब बात करते हैं कैसे डिसाइड करें कि कौन से ब्रांड्स को हमें प्रमोट करना चाहिए और कौन से को नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, आपके जो व्यूवर्स हैं वो आपके कंटेंट के लिए उन्होंने आपको सब्सक्राइब किया है। अगर आप डेली ब्रांड डील्स लेने लग गए, क्योंकि जब आपके 50,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं ना, तो आपको बहुत सारे मेल्स आने लग जाएंगे। अगर आपने सारे मेल्स को एक्सेप्ट कर लिया कि 5,000 दे रहे हो तो भी चलेगा, 10,000 दे रहे हो जो भी चलेगा, तो मुझे बस दे दो काम, मैं सारा काम करने के रेडी है, मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला, मैंने उसमें सब्सक्राइबर्स बनाए, अब मुझे पैसा कमाना और कुछ नहीं करना, तो आपके सब्सक्राइबर्स का आप पे भरोसा उठ जाएगा। अगर आप डेली प्रोडक्ट को प्रमोट करने लगे तो लगेगा यार हम खाली ऐड ही देखते रहे, इसीलिए आते हैं कि हम तुम्हारे चैनल पे, तो उस चीज़ का ध्यान दे। उस प्रोडक्ट को ही प्रमोट करें जिसको आप खुद खरीदना चाहेंगे। अगर आप खुद को उस प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है, अगर आज आपको कोई बोले कि इसको यूज़ करो, इस सर्विस को यूज़ करो, इस प्रोडक्ट को या इस ऐप को यूज़ करो, अगर आप खुद नहीं करोगे तो किसी और को भी मत बोलो कि तुम करो। ये होता है बेसिक एथिक्स यूट्यूब में काम करने का। आप अगर सिर्फ कुछ शॉर्ट टर्म का सोच रहे हो कि मेरा यूट्यूब चैनल है मुझे बस पैसा कमाना है, तो अलग बात है। आप अगर लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, आपको एक ब्रांड बनाना है अपने चैनल का, तब लॉन्ग टर्म का सोचो। मुझे अपने ऑडियंस का भरोसा चाहिए कि ये अगर बोल रही है कि ये प्रोडक्ट लो या फिर इसको ट्राई करो तो ये डेफिनेटली अच्छा होगा, वरना ये कभी नहीं बोलती। वो भरोसा जीतना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐरा गैरा नत्थु खैरा तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, सभी को प्रमोट करते रहोगे तो कैसे चलेगा। सेकेंड चीज़, सिर्फ ऐड ही ऐड मत प्रमोट करो। अपने लिए कुछ नियम रखो कि मैं महीना में एक या दो ही ब्रांड डील करूंगी या करूंगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स ने मेरे कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब किया था, मेरे ऐड के लिए सब्सक्राइब नहीं किया था। हालांकि ये बात सब्सक्राइबर्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। आज मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो के कमेंट्स में पढ़ती हूँ, यार ये तो बिक गया है, ये तो सिर्फ ब्रांड का प्रमोशन करते रहता है, ये वो है ना तेना। ये सब्सक्राइबर्स के तरफ से भी गलती है। आज वो बंदा ब्रांड को प्रमोट कर रहा है तो वो पहुँचने के लिए उसने बहुत मेहनत की है, तब वो स्टेज तक पहुँचा है कि ब्रांड उसके पास आए। जब उसने इतनी मेहनत की है कि वहाँ पहुँचे, अगर उसको थोड़ी अर्निंग एक्स्ट्रा हो रही है तो उसमें गलत क्या है? हम क्यों नहीं उसको सपोर्ट कर सकते? आपको वो प्रोडक्ट नहीं लेनी मत लो, बट एटलीस्ट सामने वाले को रिपीटेडली शेम मत करो। आज हम लोग सलमान खान के जाके तो बुराई नहीं करते कि तुमने थम्सअप को प्रमोट कैसे किया, हम तो सिर्फ तुम्हारी पिक्चर देखेंगे तब तो हम बहुत खुश होते हैं, अरे वो ऐड देखा था क्या? तो फिर जब हमारे यूट्यूबर्स कुछ ऐड करते हैं तो हम उन पे इतना बरस क्यों जाते हैं? तो एज अ रिस्पॉन्सिबल यूट्यूबर आप सिर्फ ये ध्यान रखिए, ब्रांड डील डेफिनेटली ले, बट सिर्फ अच्छे ब्रांड्स की, जो आपके व्यूवर्स को वैल्यू देगा, कुछ वैल्यू बढ़ाएगा कुछ,
वो ब्रांड्स ले। सेकेंड चीज, अपने लिए आप नियम बना ले कि मैं महीने में 3, 4, 2, 1 जो भी आपको सूटेबल हो इतना ही ब्रांड की बातें करूंगा अपने वीडियोस में। इसका कोई लिमिट नहीं है, आप 10 भी कर सकते हो, आप 1 भी रख सकते हो कि महीना में 1 ही ब्रांड डील करूंगा या फिर महीना में 10 ब्रांड डील करूंगा। पर वो जब 10 आप फाइनल कर रहे हो तो 10 पे टिके रहो, फिर 11, 12, 13 लालच में आके मत। बस बात इतनी सी है, इससे आप अपना ब्रांड बना रहे हो। तो ये सारी बात तो हो गई, अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि कैसे नेगोशिएट किया जाए ब्रांड से कि हमें बेस्ट डील मिल सके या फिर मैं कितना चार्ज करूं ब्रांड को। तो मैं आज आपको एक एवरेज रेट बता दे रही हूँ कि ऑन एन एवरेज आप इतना चार्ज कर सकते हो, पर ये चीज समझ लो कि अभी तो फरवरी 2020 चल रही है, हो सकता है आप ये वीडियो 2 साल बाद देख रहे हो तब रेट बढ़ गई हो या फिर कोई और कारण से रेट घट गई हो, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, बट एवरेज आपको अंदाजा हो जाएगा कि इतना तो कम से कम चार्ज करना ही चाहिए। वो मैं बोलूँगी 1,00,000 सब्सक्राइबर्स के लिए कम से कम 10,000 रुपया आपको डेफिनेटली चार्ज करना चाहिए। 2,00,000 सब्सक्राइबर्स 20,000, 3,00,000 सब्सक्राइबर 30,000, 4,00,000 सब्सक्राइबर 40,000। बट ये इंटेग्रेटेड वीडियो का रेट बता रही हूँ मैं, कि वीडियो के सिर्फ स्टार्टिंग के 10 सेकेंड या 15 सेकेंड आपने उस ऐप के बारे में या उस प्रोडक्ट के बारे में बोला, उस ब्रांड के बारे में बोला। तो अगर आप डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हो तो आप इसका चार्ज डबल कर सकते हो। और ये मत समझना कि ब्रांड डील हो गई तो अब बस मुझे वीडियो बनाना है और ये लोग इतना पैसा भेज देंगे, ऐसा नहीं होता। वो लोग कई बार स्क्रिप्ट मंगाएंगे आपसे कि मुझे आप स्क्रिप्ट लिख के दो कि आप मेरे प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलोगे, कैसी वीडियो बनाओगे, आप उसमें रिविजन्स होगा, बार बार रिविजन करवाएंगे जब तक उन्हें सही नहीं लगता कि ये सही है या नहीं। और करवाए भी क्यों नहीं यार, पैसा दे रहे हैं तो अपना काम तो लेंगे ही ना। तो वो रिविजन्स होगा, वीडियो बनाने के बाद भी रिविजन्स हो सकता है कि वीडियो में ये सही नहीं है तो आप फिर से शूट करो। कई बार 3-3, 4-4 बार आपको रिपीटेडली वही वीडियो शूट करना पड़ सकता है वो चेंजेस के साथ जो ब्रांड डिमांड कर रहा है। तो ये आपको हमेशा बेझिझक करना है, क्योंकि जब हम किसी से किसी चीज़ का पैसा ले रहे हैं तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसका वैल्यू भी उसको दें। हमें ब्रांड को भी वैल्यू देना है, हमें अपने सब्सक्राइबर को भी वैल्यू देना है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो जो मैं 10,000 रुपया आपको बोल रही थी इंटीग्रेटेड वीडियो का, आप अगर डेडिकेटेड वीडियो बनाएं, मतलब कि पूरे उसी प्रोडक्ट के बारे में पूरी वीडियो होने वाली है, तो आप इसका रेट डबल भी कर सकते हो, यानी कि 20,000 कर सकते हो अगर आपके पास 1,00,000 सब्सक्राइबर्स है तो। और ये मैं सिर्फ एवरेज बोल रही हूँ, ये पता है काफ़ी हद तक व्यूवरशिप पे भी डिपेंड करता है। आपके चैनल में 1,00,000 सब्सक्राइबर्स है तो ये भी हो सकता है जब आप नया वीडियो डालते हो तो उसमें कम से कम 5,000 व्यूज़ आते हैं, पर ये भी हो सकता है कि आप कोई भी वीडियो डालो तो उसमें कम से कम 20,000 व्यूज़ आते हैं। तो अगर 20,000 व्यूज़ आते हैं तो आप अपना रेट डबल कर लो, अगर कम व्यूज़ आते हैं तो आप अपना रेट कम कर लो। ये बहुत ही एक पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप कितना चार्ज करोगे। एक और बात, ब्रांड को डील करने के टाइम में हमेशा 5,000 एक्स्ट्रा बताओ, क्योंकि वो नेगोशिएट करेंगे ही। अगर आप 20,000 चार्ज करना चाहते हो एक वीडियो का तो उनको आप बोलो 25,000, क्योंकि वो 5,000 कम कराएंगे ही कराएंगे नेगोशिएट करके। वो भी खुश हो जाएंगे कि देखो हमने कम करा लिया, आप भी खुश हो कि आपको चार्ज तो 20,000 ही करना था, आप भी 5,000 रुपया एक्स्ट्रा आ गया आपके पास में। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स को जानती हूँ जिनके 1,50,000, 2,00,000 सब्सक्राइबर है और वो चार्ज कर रहे हैं 6,000, 7,000, इतना कम मत करो यार। यार इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स होते हैं ना, वो लोग एक फोटो डालने के 2,000 रुपया चार्ज कर लेते हैं, तो आप तो पूरा वीडियो बना रहे हो यार, तो इतना कम क्यों चार्ज करोगे। और जब आप ब्रांड डील्स करने लग जाओगे तो धीरे धीरे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि ब्रांड्स कितना देने के लिए रेडी है, कितना हद तक मैं नेगोशिएट कर सकती हूँ। बाकी सब कुछ वो होता है ना, बिजनेस में आएंगे तो धीरे धीरे सब कुछ दाव पे सीख ही जाएंगे, वही बात होती है। तो जो रेट्स मैंने यहाँ बोले हैं ये कोई स्टैंडर्ड रेट नहीं है, ये सिर्फ मेरा सजेशन है कि मैं नहीं चाहती कि कोई डिजर्विंग इंसान कम चार्ज करे। अभी जो मैंने आपको चार्ज बताया आप उससे डबल भी चार्ज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन ब्रांड कैसा है या आपका कंटेंट कैसा है। अगर आपका कंटेंट है जिसमें आपका चेहरा नहीं दिखता सिर्फ लिखा हुआ आता है तो हो सकता है ब्रांड कम देना चाहे, और हो सकता है अगर आप व्लॉग करते हो, पूरा ब्लॉग में तो बहुत मेहनत लगती है, तो हो सकता है तो आप उसका डबल चार्ज कर सकते हो। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो डिसाइड करता है कि कितना चार्ज करना चाहिए। तो आई थिंक आपको एक आइडिया हो गया होगा कि ब्रांड डील करते कैसे हैं। आपको पता है 1,00,000 व्यूज़ जब यूट्यूब में हमें किसी वीडियो में मिलता है तो उसकी यूट्यूब कितने रुपये देता है, आप देखकर चौंक जाओगे। ये वीडियो मैंने रिसेंटली बनाया है, यहाँ पर लिंक दे रही हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।